उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में लगातार बदमाशों की धरपकड़ जारी है। लगातार हो रहे एक के बाद एक एनकाउंटर से बदमाशों में खौफ पैदा हो गया है। बदमाश या तो अब उत्तर प्रदेश छोड़ रहे हैं या फिर न्यायालय में आत्मसमर्पण करने को मजबूर हो रहे हैं। ताजा मामला मुरादाबाद जनपद के कटकर थाना क्षेत्र के पंडित नगला का है। यहां पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए बदमाशों का नाम आजिम पुत्र कुल्लू निवासी जनपद व खालिद पुत्र इश्तियाक निवासी जनपद संभल के रहने वाले हैं और ये बड़े ही शातिर किस्म के बदमाश बताए जा रहे हैं, जिन पर लगभग 2 दर्जन मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। पुलिस पकड़े गए बदमाशों की लंबे समय से तलाश कर रही थी। आज जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने गश्त के दौरान बदमाशों को मुठभेड़ के बाद दबोच लिया। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में दोनों बदमाशों को गोली लगने की वजह से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बदमाशों की तरफ से की गई फायरिंग में एक सिपाही भी घायल हो गया है। पुलिस ने पकड़े गए बदमाश के पास से 2 तमचे और कई जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। एसपी सिटी अंकित मित्तल का कहना है कि पकड़े गए बदमाश आदमपुर में किसी व्यापारी की हत्या करने की फिराक में थे, जिसके बदले में इन्होंने 1.5 लाख की सुपारी ले रखी। सर जो आज आजी मुठभेड़ का जो पूरा मामला, क्या पूरा मामला है, किस तरह से देखते हैं? आज थाना गल शहीद थाना प्रभारी संभल चौराहे पर चेकिंग में मशगूल थे, उसी समय बुलेट पर 2 सवार संदिग्ध जो लगे, उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो वे नहीं रुके, तेज गति से बुलेट मोटरसाइकिल पर भागा, आगे को दौड़ लिए। उनका तत्काल थाना प्रभारी गल शहीद द्वारा पीछा किया गया और कंट्रोल रूम को सूचित किया गया, जिससे आगे की मार्ग की जो भी पुलिस है उन्हें सूचित किया जा सके ताकि इनकी घेराबंदी की जाए। आगे से हनुमान मूर्ति तिराए से जब पंडित नगला की तरफ मुड़े तो सामने से थाना कटकर पुलिस में एसएसआई कटकर जो कि अपने पुलिस बल के साथ मौजूद थे, उनको देखकर उन लोगों ने कच्ची सड़क की तरफ अपनी बाइक को घुमा दिया और कच्ची सड़क होने के कारण बारिश के मौसम में फिसलन थी और बाइक उनकी फिसल गई। अपने आप को गिरा हुआ देखकर उन्होंने पुलिस पार्टी पर तत्काल फायरिंग शुरू कर दी। जब पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई तो एक अभियुक्त को गोली लगी देखकर दूसरे ने भागने का प्रयास किया। थोड़ी दूर भागकर उसके द्वारा पुनः फायरिंग की गई पुलिस पार्टी पर, जिसका जवाब देते हुए पुलिस पार्टी द्वारा सुरफायर की गई और दोनों के पैर में गोली लग गई है। अभी तक की पूछताछ से इन दोनों के नाम आजिम और खालिद सामने आए हैं। ये दोनों संभल के रहने वाले हैं। आजिम थाने से HSP है और इसके ऊपर खून से हत्या और इस प्रकार के लगभग 14-15 मुकदमे कायम हैं। अस्पताल ले जाने के दौरान इनसे जो पूछताछ की गई है, अभी तक ये सामने आया है कि एक बड़े जुर्म को पारित करने के लिए जा रहे थे जिसे बचाया गया है। आदमपुर में एक व्यक्ति की हत्या करने के लिए इन्होंने सुपारी ली थी, इस हत्या को पारित करने के लिए आज ये दोनों जा रहे थे। इस संबंध में इन दोनों को रोक कर गिरफ्तार कर लिया गया है और संभवतः इस घटना को घटित होने से बचा लिया गया, दोनों को अस्पताल भेज दिया गया, बाकी विधिक कार्रवाई की। सर कोई इनामी भी है क्या? अभी तक इस प्रकार की जानकारी नहीं मिली है। जो जानकारी मैंने आपको बताई है 600 मुकदमों की और इनकी प्लानिंग की, इनको अस्पताल ले जाने के दौरान ये सब इतनी बातें सामने आई हैं, बाकी तथ्य अभी संबंधित जनपदों से पता किया जाए। सर जानकारी करने के बाद कुछ ऐसा कोई जानकारी मिल पाई है कि इनके साथ में और भी कोई लोग थे या किस तरह से? ये बाइक पे 2 ही लोग थे, इन्होंने आदमपुर में एक व्यक्ति की हत्या करने के लिए सुपारी ली थी। इनके पास से क्या क्या मिला, मतलब ये दोनों एक बाइक पर सवार थे, बुलेट जिसका नंबर नहीं है वो बाइक मिली है। इन दोनों के पास से तमंचे मिले, 3 जिंदा कारतूस, 3 खोखे मिले और दोनों के पास से मोबाइल फोन बरामद हुए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।